हमारे यहाँ पर दो भारतीय नागरिक इंडिया तो अगर मेरे ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो आप शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, मतलब अगर मन गया तो कर देना बस। व्हाट्सअप, सो ये है ब्लॉग नंबर 3 और आज हम जा रहे हैं अपना वीज़ा एक्सटेंड कराने के लिए। और सो होता है कि जब हम यहाँ आए थे तो हम वीज़ा ऑन अराइवल पे आए थे, मतलब वो 2 हफ्ते का लगता है, 2000 भाट का, इंडियन रुपीज़ में लगा लो आप 4500 रुपये। सो अभी क्या है कि हमने रिटर्न टिकट कराया है 10 तारीख का, तो अभी एक हफ्ता हमें एक्सटेंड कराना पड़ेगा अपना वीज़ा, तब जाके हम यहाँ रह सकते हैं। सो आज की स्पारिंग हो चुकी है और मैं आज इंजरी हो चुकी है मुझे, यहाँ पर दिख रहा हूँ यहाँ अंदर, थोड़ा सा कट चुका है यहाँ पर, तो अब मैं स्पाइसी नहीं खा सकता, तो अब मुझे ओट्स या कुछ ऐसा खाना पड़ेगा, इट्स लाइक बहुत जलन मस्ती अंदर। सो मतलब एक्चुअली मैंने माउथ गार्ड आना भूल गया था आज, और तो इसलिए मैं बिना माउथ गार्ड के कर रहा था, एंड बूम जब पंच लगा उससे तो अंदर ऐसा लगा जैसे फट गया होगा, सो कभी भी आप जैसे स्पारिंग कर रहे हो तो अपना हेड गियर हो गया, माउथ गार्ड हो गया, हैंड रैप्स हो गया, और बॉक्सिंग ग्लव्स जब आप स्पारिंग कर रहे हो तो 16 इंच के होना चाहिए, लाइक 12 इंच के, 10 इंच के। अब जैसे यहाँ कहीं लोग क्या है कि 10-10 इंच के उससे बॉक्सिंग कर रहे हैं, अब जब उससे पंच पड़ता है ना तो सर पूरा हिल जाता है, एंड थोड़ा बड़े ग्लव्स रहते हो तो आप ज़्यादा राउंड्स भी खेल सकते हो, अपने पार्टनर्स की सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लाइक जब आप स्पारिंग कर रहे हो, आपके पार्टनर ही नहीं हो तो आप किससे स्पारिंग करोगे। अब पर यहाँ ऐसा है कि कुछ लोग मतलब पागल ही हो जाते हैं, तो वो 10-12 इंच के ग्लव्स हैं, ऊपर से उल्टे सुलटे पंच, तो वो देख के खेलना पड़ता है। बट आज मेरी गलती थी क्योंकि मैं माउथ गार्ड लेके नहीं गया, तो अभी यहाँ अंदर थोड़ा फट चुका है। खैर लेट्स गो, अभी हम लंच करने जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे इमिग्रेशन ऑफिस, एंड मैं आपको बताता हूँ कि थोड़ा क्या क्या प्रोसेस होता है, और खाने का आपको बताता हूँ कि खाना कैसा होता है यहाँ पर। फ़िलहाल मैं रिप्ट हो रहा हूँ दोबारा से, सो लेट्स गो। पर अंदर दिगंबर की फाइट आ रही है, दिगंबर की स्टोरी भयंकर है, कभी इसके इंस्टाग्राम पे जाना आप, सही है लौंडे। मतलब गांव में भी हम लड़ाई करते थे, यार लड़ाई कर रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं और क्या चाहिए, है ना दिगंबर? क्या तुम शरीफ थे गांव में? या यश दिगंबर, यस आने वाला प्रोफेशनल फाइटर हमारी एकेडमी से, और दिगंबर है, दिगंबर को तो आप जानते ही हो, ये अपने गांव का आतंकवादी था, हर एक गांव में उच्छादी बंदा होता है, लाइक हमारे पहाड़ में कहते हैं उच्छादी, लाइक बिल्कुल जिसका खौफ रहता है दूसरे गांवों में, है ना? नहीं रे, रहे होंगे यार तुम। बाकी दिगंबर के अंदर मतलब जिगरा है, वैसे जिगरा मतलब मोस्टली मैंने देखा है कि फाइट में बहुत मैटर करता है जिगरा, कभी आप जाना है दिगंबर की फाइट देखना है, मेरे इसमें होगी दिगंबर ऑल फाइट्स, एंड उसमें काफ़ी नॉकआउट्स हैं इसके पास, 90% फाइट फिनिश हो चुकी है इसकी नॉकआउट से, तो इसलिए फ़ाइट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और ये है पराक्रम ग्रह के अगेंस्ट, तो वो ऑलरेडी काफ़ी टाइम से एमएमए सर्किट में है, और दिगंबर ने है, और दिगंबर की जर्नी ऐसे कि 1.5 साल में इसने एज अ प्रोफेशनल डेब्यू कर चुका है एमएफएन में, तो ये काफ़ी बड़ी बात है, इतने जल्दी कोई नहीं कर पाते हैं। बट कहीं ना कहीं ये बाई बॉर्न भी इसके अंदर आई थिंक एबिलिटी है, मैंने फर्स्ट टाइम पे ही देख के थे कि हाँ जो जैब उससे बचा जाता है बंदा कि कितना जल्दी कैचिंग पावर है। सो क्योंकि गाँव में हमारा ऐसा ही रहता है ना कि मसल मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है, हमें उठपटांग काम करने में आगे रहते हैं लोग क्या, तो इसलिए एक दूसरे को मारने में भी बहुत जल्दी सीख जाते हैं कि कैसे मारना है, लाइक जैब जूब अच्छा है, ऐसे कई लड़के हैं मतलब हमारे गांव में जिनका फ्यूचर एमएमए में बन सकता है, सो आई थिंक अब बनेगा भी शायद। प्राचीन कौन सा थाईलैंड आ रखा पर एक पर्स नहीं लिया भाई ने ये तो याद है सर, याद था वो, किसने दिया ये? हमारे पिताजी ने दिया था। या, सही कह रहा है यार, तब तो सही है ये पर्स। कल हजरे थे कुछ क्या कुछ बदलेगा पर पर्स नहीं बदलेगा। बोला हब्या ना
सो गाइस वहाँ जाने के लिए फोटो कॉपी चाहिए पासपोर्ट की, जो हमने करवा चुके हैं यहाँ के जो होटल है वहाँ से, और फोटोज चाहिए होती हैं कुछ दो या तीन। अरे लोकेशन डाल दी तुमने ना, आगे नेट नहीं पकड़ेगा फिर। ओके गाइस लेट्स गो। सो गाइस ये पॉपुलर स्ट्रीट है यहाँ की। खैर अभी तक हम यहाँ से बाहर नहीं गए, ये फर्स्ट टाइम है, क्योंकि अभी ट्रेनिंग में इतने बिजी थे कि बाहर जाने का टाइम नहीं मिल रहा था। और यहाँ पर हमारे दो भारतीय नागरिक इंडिया। अभी तो यहाँ मोस्टली लोग आपको वही दिखेंगे बाहर के, लाइक हमें इंडियंस भी काफ़ी मिलते हैं, और अन्य प्रदेश दिल्ली के काफ़ी लड़के मिले थे यहाँ पर। अभी हमें लंच करने जाना था, लेकिन लंच अभी हो नहीं पाएगा क्योंकि लेट हो रहा है, तो लंच हम बाद में करेंगे। सो यहाँ पर दो स्पॉट हैं खाना खाने के लिए, एक यहाँ पर लीलिया नाम से कोई है और फिर आगे टोनी नाम से। यहाँ पर हम खाना खाते हैं, एक यहाँ पर और उसके बाद आ गया टोनी नाम से। यहाँ पर ये हमारे रशियन फाइटर है, रशियन। सो एक वाइब अच्छी आती है फाइटर्स की, यू नो, क्योंकि 24 घंटे आपको फाइटर्स दिखते रहेंगे उस हिसाब से। एक यहाँ पर भी काफी अच्छा खाना मिलता है, अलीज कैफे है। देखो एक और जिम आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ये एक और मुआई थाई का जिम है, और फिर बैक टू बैक तो जिम ही जिम है यहाँ पर। देखो फ्यू की टॉप टीम है, ये फ्यू की टॉप टीम, काफी फेमस जिम है। भाई हम जा रहे हैं मेन रोड पे, जब परसों हम रनिंग करने गए थे यहीं से गए थे, यहाँ से हमको लेफ्ट लेना है। थोड़ा मैं आपको स्ट्रीट का व्यूज दिखाऊंगा, काफ़ी ब्यूटीफुल कंट्री है थाईलैंड, और रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत अच्छे हैं यहाँ पर। थाईलैंड एक कोस्टल रीजन है, यू नो, क्योंकि एक आइसलैंड है, तो यहाँ पर आपको अगर आप नमकीन भी ले रहे हो ना तो श्रिम्प वाली मिलेगी, या यू नो मछली वाली मिलेगी इस तरीके से। थोड़ा पेट्रोल ख़त्म हो गया है, एक फॉर्म है, अगर एक्सटर्नल वीज़ा आपको एक्सटर्नल वीज़ा एक्सटेंड कराना है तो उसको ही फॉर्म भरना पड़ेगा, एंड देन ये पासपोर्ट की कॉपी कराई हमने अभी यहाँ पर, और ये ऑफिस है यहाँ का। बराबर ओके गाइस पासपोर्ट एक्सटेंड हो चुका है, 1900 भाट में ये पूरा काम हुआ है हमारा, 1900 भाट में पूरा काम हुआ है। सो एक हफ्ते का वीज़ा एक्सटेंड कर चुके हैं हम ना। अब चलते हैं लंच करने, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया सच में, लाइक हमने सोचा कि ट्रेनिंग के तुरंत बाद हम यहाँ आ गए थे। ये हमारी बाइक है, एक और बात मुझे बहुत अच्छी लगी थाईलैंड की, लाइक हर कोई यहाँ काइंड बहुत है, मतलब जितने लोग मुझे अभी तक मिले हैं, जैसे नमस्ते करना, यू नो, अभी जैसे हम बाहर आ रहे थे किसी ने डोर हमारे लिए खोल दिया था, एंड ये बहुत सारी चीज़ें हो गया। सो अगर आप काइंड हो तो लोग काइंड बहुत हैं यहाँ पर, यू नो। सो मौसम बहुत मस्त हो रहा है यहाँ पर, लाइक काफ़ी सनी है और गर्म भी नहीं है, लाइक मुझे लगता है आप लोगों को आना चाहिए, इतना महंगा नहीं है। एक ना एक टूर बाहर के मारा करो आप, लाइक
सच में आई मीन लाइक हम फाइट के दुबई गए थे लास्ट टाइम, तो वहाँ ऐसा था कि होटल के अंदर ही अंदर रहना था, और इस बार मैं यहाँ आके यू नो लोगों से मिलना, बातें करना, काफ़ी फ्रेंड्स बन चुके हैं। एक फर्स्ट डे था जब कैंप में बहुत दिक्कत हो रही थी, एंड अब काफ़ी दोस्त बन चुके हैं रशियन, काफ़ी अच्छे स्पारिंग पार्टनर बन चुके हैं अब, तो सही है। और एक बार आप लोगों को बाहर से आना चाहें ताकि आपका माइंड भी ना थोड़ा यू नो आप जाके बड़ा सोचो, कई बार आपको बिजनेस आइडियाज़ या आपका जो एक लाइफ को देखने का तरीका होता है वो काफ़ी बदल जाएगा। अभी हम थोड़ा गलत आ गए थे, अब हम 20 से शॉर्टकट मार रहे हैं, और ये थोड़ा वैसा मार्केट है, मतलब जैसे मेरा थोड़ा अंदर का जो मार्केट होता है ना मेन लोकेशन से हट के। चलो चलो इधर जाते हैं, वहाँ से कुछ खाते हैं, आगे लगा लीची गाइस। ये मार्केट है यहाँ का, तो लीची ले लेते हैं ना, एक लीची ले लेते हैं। वहाँ लीची होती है समय अभी तो होती है, कर दे रहे हैं, ले लो एक ले लो। ये क्या है, संतरा जूस नहीं हुआ यहाँ पर। तो गाइस ये है यहाँ का मार्केट, पका पका के होगा ना। सो गाइस वीज़ा हो गया एक्सटेंड और आज लेट हो गया है खाना खाने में, सो ये चिकन रैप है और एक फेंटा तो चलता है कई बार यू नो। तो अभी 5 बजे फिर क्लास है, और आज से पर टेक्निक्स है लाइक ऐसा नहीं है कुछ स्पारिंग। सो दैट्स ऑल, सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अगर मेरे ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो आप शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, मतलब अगर मन गया तो कर देना बस। ओके, सी यू सून।